सभी को नीना श्रीवास्तव सादगी के सफर में आप सभी का स्वागत करती है। मेरे यदि वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। मैं कोशिश कर रही हूं क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है, बहुत बिजी लाइफ है मेरी। तो मैं ये मैंने दो रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ अपने वीडियो में, एक उसकी पनीर की भुर्जी और बैंगन का भरता। उसमें मैं रेसिपी आप गौर से देखिएगा और हर एक चीज़ तो मैं बारीकी से बता नहीं पाऊँगी कि किस में कितना डालना है। जितने घर के मेंबर उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी मतलब उसमें तय कर सकते हैं, क्योंकि हर लेडीज़ जो है उसको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, सब होशियार हैं, सब समझ जाती हैं इसको कैसे बनाना है। बाकी मैंने और वो जो पनीर पनीर का मैं नहीं बता पाई थी क्योंकि उसका रीज़न ये है कि है ना, एक तो दूध उफन गया था, मैं वीडियो बनाते बनाते दूध उफन गया था, लेकिन मैंने तब भी गैस थोड़ा सा गंदा हो रहा था तब भी मैंने वो वीडियो बना ही ली। और है ना, उस चक्कर में फिर गैस की टंकी भी ख़त्म हो गई, तो उस चक्कर में मैं जो है उसका ये नहीं बता पाई कि पनीर को जो है आप किस भी सकते हैं। उसको मैंने हाथ से मैश कर लिया था, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन उसमें आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं यदि आप पनीर में करना चाहें तो। बाकी उसमें धनिया मिर्ची, धनिया नहीं डालना है, पिसी धनिया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, बस खाली पिसी लाल मिर्च का उपयोग करना है और हल्दी नहीं डालनी है और नमक का यूज़ करना है, हरी मिर्ची का यूज़ करना है। तो बाकी का आप देखिएगा प्लीज़, और पसंद आए तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स। और मैं नीना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती है। और मैं जल्दी में यदि बैंगन सेंकने हों तो उसमें आप ये करिए, इसमें जो है पीछे ऐसे ऐसे पीस काट लीजिए और उसके पीछे ये तेल लगा लीजिए, हल्का सा तेल, और तवे पे रख दीजिए और इसको जो है गैस पे अपन को चढ़ाना है। यहाँ पर ये गैस पे चढ़ा दिया इसको अपन ने, तो ये हो जाते हैं। मैंने इनको पका लिया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ और ये पक चुके हैं। इसी तरीके से मैं आज ये भुर्जी बना रही हूँ, पनीर की भुर्जी। और मैंने इसका ये मसाला पीसा है, इसमें है टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, इस सब का मैंने ये पेस्ट बना लिया है, ये तो सभी को मालूम होगा। और ये मैं जो हूँ ये इसमें मैं मतलब इसमें इसको डालूँगी कढ़ाई में, दोनों तरफ दो कढ़ाई मैंने अलग अलग रख ली है। मैंने जीरा डाल दिया है, दोनों कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया है। और देखिए ये मैंने पका लिया है, ये झटपट तैयार यदि सब्जी करनी हो तो ये मैंने लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची का पेस्ट जो है इसको मैंने तैयार कर लिया। ऐसे ही मैं भुजी के लिए भी कर रही हूँ, मुश्किल से 5-10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से खूब अच्छे से पका लीजिए। और मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ये इसमें नमक, ये नमक ऐड कर रही हूँ मैं, ये नमक ऐड कर दिया मैंने, ये दोनों में नमक ऐड कर दिया है मैंने, ये नमक ऐड कर दिया है ये, और ये इसमें मैंने ये हल्दी डाल दी है और ये थोड़ी सी हल्की सी मिर्ची, आपको अपने स्वाद अनुसार जैसा भी डालना हो आपको, इसमें भी मैं थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैंने धनिया नहीं ऐड किया है, पिसा धनिया नहीं डालना है इसमें, इसमें जो भुर्जी बना रहे हैं इसमें पिसा धनिया नहीं ऐड करना है और ना ही ये भुर्ते में ऐड करना है। बैंगन है ये देखिए, मैंने इसमें पीछे की तरफ तेल लगाया था, आगे से पीस कर लिए और इसको मैंने तवे के ऊपर रख के उसे सेंक लिया है। अब इसको अपन को ऐसे छील लेना है, छीलना तो क्या सभी लोगों को आ जाता है, ये मैं छील रही हूँ, इसको इस तरीके से छीलना है। देखिए ये बैंगन का भुर्ता, इसमें पिसा धनिया ऐड नहीं करना है, इसमें मैंने खाली पिसी मिर्ची, हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, या आप अपने आप से डालिए, इसको खूब भूंज लीजिए और जब ये पक जाए तो इसमें आप हरी धनिया डाल दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं हरी धनिया काट के बताऊं, लेकिन आप हरी धनिया इसके ऊपर ऐसे करके भुरक दीजिए। इधर मेरा ये बैंगन हो रहा है, इधर मेरी
ये पनीर की भुर्जी भी तैयार हो गई है। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको। ये पनीर की भुर्जी तैयार हो गई है। ये देखिए पनीर की भुर्जी तैयार हो गई। इसमें आपको हल्दी नहीं डालनी है, सिर्फ नमक डालना है, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर डालना है और ये भुर्जी 5 मिनट में बनके तैयार हो गई। इसमें हरी धनिया ऐड नहीं करना है। ओके, बनके तैयार हो चुका है और ये पनीर की भुर्जी तैयार हो चुकी है। चख के बताइएगा कैसा लगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं जॉब वाली महिला हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती।